प्रश्न, उस आदमी पर क्या चीज अनिवार्य है जिस पर रमजान का महीना इस हाल में आया कि वह एक कार्य दुर्घटना के कारण बेहोशी की अवस्था में था और 22 दिन के बाद ही उसे होश आया। उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। यह प्रश्न शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह पर पेश किया गया तो उन्होंने फरमाया, राजह अर्थात पसंदीदा कथन के आधार पर किसी बीमारी से या बिना बीमारी के ही बेहोशी के कारण बुद्धि का समाप्त हो जाना नमाज की अनिवार्यता को समाप्त कर देता है, अतः उसके ऊपर नमाज की कज़ा अनिवार्य नहीं होती है। जहाँ तक रोज़े का मामला है तो उसके ऊपर उन दिनों की कज़ा करना अनिवार्य है जिनकी उसने अपनी बेहोशी की हालत में रोज़े नहीं रखे हैं। नमाज और रोज़े के बीच अंतर यह है कि नमाज एक दिन में कई बार आती है, यदि उसने छूटी हुई नमाजों की कज़ा नहीं की तो वह दूसरे दिन तो नमाज पढ़ेगा ही, किंतु रोज़ा बार बार नहीं आता, इसलिए मासिक धर्म वाली औरत रोज़ा कज़ा करती है और नमाज कज़ा नहीं करती है।